हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लाइंट सोलोटेक। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में वर्ड डॉक्यूमेंट में वीडियो इंसर्ट करना है तो उसके लिए इंसर्ट मेन्यू में जाओ और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगी ऑनलाइन वीडियो, यहाँ मीडिया लिखा है। सो जो भी आपने डॉक्यूमेंट में इन ऑप्शन से या इन ऑप्शन के बाहर से यानी कि कंप्यूटर से किसी ड्राइव से फोल्डर से कुछ भी इंसर्ट करना है तो हम वो इंसर्ट ऑप्शन यूज करते हैं। इसी कड़ी में आज हम जो कर रहे हैं वो है ऑनलाइन वीडियो। ऑनलाइन वीडियो कैसे इंसर्ट करना है, ऑनलाइन वीडियो पे क्लिक करो। क्लिक करने से पहले आप इस पे माउस ले जाओ और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, लिखा है फाइंड एंड इंसर्ट वीडियोस फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ ऑनलाइन सोर्सेज। जहाँ पर भी वीडियो प्ले कर रहा है उसका आपने लिंक इसमें इंसर्ट करना है। देखिए मैं बताता हूँ, ऑनलाइन वीडियो पर क्लिक करो, आपके पास ऑप्शन आएगी एंटर द यूआरएल, यहाँ लिखा है एंटर द यूआरएल और एम्बेडेड कोर फॉर द ऑनलाइन वीडियो। सो जो भी आपका वीडियो है जिसको भी आप ऐड करना चाहते हैं, ये रहा मान लीजिए ये YouTube वीडियो है ऑनलाइन वीडियो, सो हमने ये क्लिक किया एंड देन ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड पेस्ट इट हियर। सो यहाँ पर ये URL यूनिकोड रिसोर्स लोकेटर भी हम इसको बोलते हैं, इसको हमने पेस्ट किया। अब कंट्रोल सी कंट्रोल वी यूज कर सकते हैं और कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और इसको इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद आप इसको प्ले कर सकते हैं और ये यहाँ पर प्ले होना शुरू हो जाएगा। ओके, नहीं है इस तरह से आपका हाथ पूरा जो है मूवमेंट करना चाहिए। फिर है कि आपने अगर इसको थोड़ा सा अच्छे से डिजाइन इसको सेटिंग करना है, जैसे मान लीजिए इसमें ब्लैक कलर आ रहा है, आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं और अगर आप चाहो तो इसको और डिजाइन या बॉर्डर्स वगैरह भी दे सकते हैं, पिक्चर इफेक्ट आप इसमें यूज कर सकते हैं। सो इट वर्क्स। इसी प्रकार से कि अगर आपने केवल लिंक इंसर्ट करना है, ये तो हो गया पूरा वीडियो, लेकिन अब खाली लिंक इंसर्ट करना है तो वो आप ड्रैग एंड ड्रॉप यूज कर सकते हैं। जैसे ये एक वीडियो है, इसको मैं यहाँ से ड्रैग किया और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मैंने यहाँ पे आके ड्रॉप कर दिया, यानी कि मैंने वहाँ क्लिक किया, क्लिक करके रखा और यहाँ पर आके क्लिक छोड़ दिया। तो ये क्या है, एक लिंक होगा, आप डबल क्लिक किया करेंगे और ओपन करेंगे तो ये चलना। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये तभी रन करेगा अगर ये आपके कंप्यूटर में है, और या आप अगर इस फाइल को किसी दूसरे को जब भेज देंगे तो वहाँ ये वीडियो प्ले नहीं करेगा नीचे वाला, लेकिन जो आपने ऑनलाइन वाला वीडियो इंसर्ट किया है वो उन पर्सन के पास भी चलेगा जिनको आपने ये डॉक्यूमेंट सेंड किया है और वीडियोज़ की डिटेल जो आपने जिनको भेजी। तो ये वाला जो ऑनलाइन वीडियो वाला है मच मोर इफेक्टिव देन डायरेक्ट इंसर्टेशन। तो आप ये बेनिफिट है इसका, जो डिस्ट बेस का है वो आपके पास चलेगा क्योंकि वो आपके कंप्यूटर में है, जो उसका सोर्स है वो आपके कंप्यूटर में है, लेकिन जो अगर वो फाइल जब आप विद लिंक दूसरे को किसी को भेज देंगे, अगर वो वहाँ पे उस लिंक पे डबल क्लिक करके उस वीडियो को चलाना चाहेंगे तो नहीं चलेगा क्योंकि वो उनके कंप्यूटर में सोर्स नहीं है उसका। तो इसी प्रकार से जब URL है, URL क्या है, यूनिवर्सल है पहली बात, ठीक है, तो यूनिवर्सली YouTube पे आपका वीडियो या कोई भी है तो वहाँ से वो उधर भी एक्सेसिबल है, इधर भी एक्सेसिबल है, क्योंकि उसका जो सोर्स है वो इंटरनेट पे है, ठीक है, इंटरनेट पे सर्वर के अंदर वो होस्टेड है। सो ये इसका मेथड है। तो ये आपको मालूम हो गया होगा कि किस तरह से आप वीडियो को इंसर्ट कर सकते हैं और दैट्स इट।